नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। काले सागर के ऊपर आमने सामने आए अमेरिका और रूसी फाइटर जेट। विमानों की वजह से काफी देर तक बना रहा तनाव। अमेरिका ने रूस के इस रवैये को गैर जिम्मेदार करार दिया। लाओस के आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर बिना नाम लिए साधा निशाना। आतंकवाद, कट्टरता और चरमपंथ को बताया मानवता के लिए खतरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन के लिए किया धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर साधा निशाना। कहा, ओबामा की नीतियां बेहद खतरनाक। पहले दिन करूंगा अधिकतर फैसले रद्द। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं ट्रंप। भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते से तिलमिलाया आतंकी हाफिज सईद। समझौते को चीन और पाकिस्तान समेत मुस्लिम देशों के खिलाफ बताया। मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है सईद। हार्वर्ड में पब्लिक हेल्थ स्कूल का दावा, सिजेरियन प्रसव वाले बच्चों में सामान्य प्रसव की तुलना में मोटापे की संभावना ज्यादा। माँ और नवजात शिशुओं के लिए बताया खतरा। अमेरिका के जॉर्जिया हवाई अड्डे पर दो छोटे विमान हवा में टकराए, 3 लोगों की मौत। घटना की जाँच में जुटी पुलिस। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।